दोस्तों आज किस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए जीके जीएस के 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। दोस्तों सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। थर्ड क्वेश्चन, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। दोस्तों केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है। चलिए तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। चीनी यात्री फयान किसे किसके दरबार में आया था, ठीक है ये पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया, तो इस प्रथा का प्रचलन दोस्तों अकबर बादशाह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। दक्षिण भारत का कश्मीर दोस्तों किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, दक्षिण भारत का कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है, 27 सितंबर को। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों कोणार्क में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ठीक ना। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, सही आंसर होगा दोस्तों केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, सही आंसर होगा बेबीलोन में, ठीक ना। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप सभी जानते हैं एनीमिया होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलीकृत चैत्य किस काल की है, सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रकूट काल की, ठीक ना। चीन में लाल क्रांति कब हुई, दोस्तों चीन में लाल क्रांति जो है ये सन 1949 में हुई थी, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले दोस्तों अवध की राजधानी कहाँ थी, सही आंसर होगा दोस्तों फैजाबाद। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी, इनमें से, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चोल राजवंश की, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, ठीक ना, कोचीन एक बंदरगाह भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है ना, फिलामेंट जो होता है, पतली सी जो तार होती है उसमें लगी हुई, किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए इस धातु का बना होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है ना वो तुरंत पिघल जाता है, तो इसलिए बाकी धातु का यूज नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये संसदीय स्वरूप दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया। तो चीन में लाल क्रांति दोस्तों ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, याद कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी को हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें जो है ना रात, जैसे जैसे रात होती है तो इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को मतलब दिखाई देना बंद होने लगता है। देखिए एक दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसे अगर आप समझ लेते हैं ना तो किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आप इजीली याद कर लेंगे। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, ARBB C से सकर्वी और D से रिकेटस, ARBB C से सकर्वी D से रिकेटस। अब चलिए समझते हैं, देखिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, तो इसे हम R से डिनोट कर सकते हैं रतौंधी को, फर्स्ट लेटर जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, तो AR मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है ना। बी से देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी ARBB बेरी बेरी, ठीक है ना, ARBB। सी से सकर्वी, देखिए सी से सकर्वी, सी से स्टार्ट होता है सकर्वी, और डी से रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और ई से बांझपन,
ठीक ना, ये समझ सकते हैं, ये तो याद हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक ना। अब दोस्तों आपको इजीली याद हो गया होगा, ठीक ना, ए आर बी बी सी से सकर्वी डी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और सी से सकर्वी डी से रिकेटस, और ई से बांझपन, और उसके बाद विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट जो है ना ये विटामिन V12 में पाया जाता है। कोबाल्ट को हम कह सकते हैं, कोबाल्ट का रासायनिक नाम विटामिन V12 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2 वर्ष, ठीक है ना। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक ना, एक तिहाई सदस्य। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। सही आंसर होगा 1 दिसंबर को। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है। तो ये दोस्तों स्तनधारी है, ठीक ना, स्तनधारी। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों सुंग वंश के संस्थापक जो थे ये थे पुष्यमित्र सुंग, ठीक ना, ऑप्शन बी। चलिए राजत रंगिनी के लेखक कौन है। दोस्तों राजत रंगिनी के लेखक कलहन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्याम वेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो कवि हरिसेन दोस्तों ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं क्रिकेट खेल से है। तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दिनार किस देश की मुद्रा है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं इराक की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है। दोस्तों अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है। नवरत्नों का संबंध किससे है। दोस्तों नवरत्नों का संबंध जो है ये अकबर से है, क्योंकि अकबर के 9 नवरत्न थे जिसमें टोडरमल भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेनिस से। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़।